एक परिवार के साथ लोगों सहित जिले में 10 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जिले की स्थिति विस्फोटक होती दिख रही है। हम आपको बता दें, पिछले दिनों हनमना में जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला, उसने प्रशासन को एक बार फिर से अपने तेवर कड़े करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। जिले में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा फैल रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार का दिन या यूं कहें सुबह ही जिले के लिए अच्छी खबर के साथ नहीं रही। जांच में स्टेडियम के पास के एक घर में 7 लोगों का इकट्ठा संक्रमित पाया जाना इस बात का जीता जागता सबूत है। निकट भविष्य में शहर में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारेगा रीवा जिले में। अभी तक यह आंकड़ा धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 169 तक पहुंच चुका है। अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो जिले के विभिन्न अस्पतालों में 69 मरीज अभी भी एडमिट हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं रीवा जिले के स्वास्थ्य महकमे में मुखिया CMHO RS पांडे का कहना है कि जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, हमने अपनी तैयारी को तेज कर लिया है। आइए सुनाते हैं CMHO ने अपने तैयारियों को लेकर क्या कुछ बताया। हमारे पास लगभग हमने अभी टोटल 948 बेड की व्यवस्था करी थी, अभी आज से 10 दिन पहले तक उतने बेड्स की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी, तो हमने कुछ संस्थाओं को छोड़ दिया था। अभी अब जरूरत पड़ने पर हम उनको भी ले सकते हैं, और लगभग 150 बेड की ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे लिए मेडिकल कॉलेज में है। वेंटिलेटर कितने हैं? वेंटिलेटर हमारे पास अभी 20 वेंटिलेटर की व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज से टैग के। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उस स्तर से निपटने के लिए क्या हम तैयार हैं? जिला स्तर में मतलब मुख्यालय स्तर पर भी केसेस आ रहे हैं, और इनका तो सबसे पहले यही है कि जैसे कोई केस टेस्ट कराने आते हैं, कहीं भी किसी को लक्षण होता है, सर्वे टीम भी जाती है हमारी। उसके अलावा फीवर क्लिनिक हमारा दिन भर चलता रहता है यहाँ, और मेडिकल कॉलेज में हमारी मोबाइल यूनिट भी है जो जा करके कैंप में वहाँ पर शहर में सैंपल लेती रहती है। बाकी हमारी PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी सैंपल लिए जाते हैं, और लगभग 600 सैंपल प्रतिदिन हम पूरे जिले भर में इकट्ठा करते हैं। 600 सैंपल के इकट्ठा होने से निश्चित तौर पर यदि कहीं कोई पॉजिटिव केस रहता है तो खेओजी उसकी ज्यादा हो जाती है। सर, अभी खेओजी कॉलोनी में एक मिश्रा परिवार है जी, इसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। उनके लड़के पंजाब में BSF में थे, वहाँ से 15 दिन पहले आए थे, अभी वो वर्तमान में मऊगंज के अपने किसी गाँव में शायद गए हुए ऐसा पता चला है, तो हम उसको दिखवा लेते हैं। और केसेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इक्का दुक्का केसेस हो सकते हैं कि जिनकी हिस्ट्री ना मिल रही हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस की हिस्ट्री हमको मिल जा रही है। सर, अपन लोग ये मान सकते हैं कि लोकल स्तर में कोरोना घर का? नहीं, अभी उस रूप में नहीं मान रहे हैं। किसी घर में यदि एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ किसी दूसरे जगह से, तो उसके कारण हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हिस्ट्री नहीं है। अभी यदि हम उसको चैनल को ब्लॉक कर दें, उनको अस्पतालों में ला के आइसोलेट कर दें, तो निश्चित है वो चैनल टूट जाएगी और आगे केसेस नहीं बढ़ेंगे। सर, जो नाइट पे 10 लोगों की आई है लिस्ट, तो उस पे कौन से घर में आए? जो 10 लोगों की आए उसमें 7 हमारे खुटेही के ही एक घर से ही मरीज हैं, 2 हमारे मऊगंज ब्लॉक के, सॉरी हनमना ब्लॉक के हैं, और 1 चाक घाट से मरीज आए हैं। तो इस तरह से 10 मरीज हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। चाक घाट वाले भी एक वहाँ के बैंक मैनेजर थे, उनसे उनकी हिस्ट्री जुड़ती है। मऊगंज वालों के परिवार से 1 सदस्य हमारे क्वारंटाइन में, मतलब इसमें प्रधानमंत्री आवास से भर्ती थे, उनको बाद में मेडिकल कॉलेज रख दिया गया था क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी, डायबिटिक थे। तो इस तरह से हर केस का एक हिस्ट्री हमको पीछे मिल रही है, जिसके कारण आगे की चैनल ये दिखती चली जा रही है। खुटेही की हिस्ट्री में सर? खुटेही में जो सबसे पहले हमारे मरीज आए थे, वो बहुत स्पष्ट हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन ये है कि वो बैंक गए थे, ऐसा उनका कहना था। तो हो सकता है कि बैंक में किसी अननोन व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ हो और वहाँ से वो केस बाद में जो पॉजिटिव आए रिजल्ट में, तो वो बैंक के किसी व्यक्ति से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से उनका संपर्क की संभावना से नकारा नहीं जा सकता।